कि के कनाडा में खालिस्तानी नारे लगा रहे हैं कि यू ब्रिटिशर्स आर एक्सटर्नल आउटसाइडर्स लीव कनाडा दिस इज आर कंट्री ये खालिस्तानी लगा रहे हैं जय हिंद दोस्तों मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो दोस्तों आज पाक मीडिया बात ने कनाडा में रैली निकाली और उस रैली में खालिस्तानियों ने नारे लगाए कि कनाडा हमारा है और जो व्हाइट है वो यूरोप और इंग्लैंड में वापस लौट जाए तो ये वीडियो सोशल मीडिया में बहुत ही वायरल होगी और जो कनाडा के लोग हैं वो भी अब कह रहे कि खालिस्तानियों को सपोर्ट करके उन्होंने कितनी बड़ी गलती की और जो भारतीय कहते हैं खालिस्तानियों के बारे में वो सच कहते हैं तो इस पे पाकिस्तानी मीडिया बातचीत करे कैसे खालिस्तान का जो कार्ड है जो टूटो ने खेला था वो बहुत ही ज्यादा बैकफायर कर गया है और अब पाकिस्तानी भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान भी खालिस्तान को फंड करता है तो पाकिस्तानी मीडिया भी इस पे रो रहा है दोस्तों वीडियो बहुत ही मैसे पूरा शेर देखेगा

और ये आप कह लीजिए एक छोटा सा ट्रेलर हमने देखा है एक बड़ी मूवी का इसकी दीवारें गिर रही है और इसको शायद धक्का लगाने की जरूरत भी ना पड़े स्टूडेंट लाइफ में हम बड़े नारे लगाते थे गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो तो। तो दीवारें ऑलरेडी गिर रही हैं और अगर हम धक्का देंगे तो गिर जाएंगे आप किसी चोर और डकैत को अपने घर पे लाएंगे और यह सोचेंगे कि क्योंकि आपके घर का माहौल बड़ा अच्छा है वो चोर और डकैत अच्छा हो जाएगा अगर यह आपकी सोच है तो बड़ी बेवकूफी की आपकी सोच है। और कैनेडा ने यही काम करा कि भारत पांचवी इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है विद फाइव ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी आप दसवें नंबर पर हैं भाई 2 .2 है भाईजान आपकी इकॉनमी टू ट्रिलियन है आप ये क्या किस तरह के ये बातें बता रहे हैं किस तरह की ये लोगों को खुश करने के चक्कर में आप पड़े हैं डू यू हैव एन एबिलिटी टू सेंक्शन इंडिया एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है चले बातें करके खुशी लेने में क्या हरज है आपकी वैसे भी एक टांग हुकूमत से बाहर है अभी अब दो हफ्ते पहले बड़ी मुश्किल से आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सरवाइव किया है

देखिए कई बार क्या होता है ना किसी को कहीं मारा जाए ना और पता ना लगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मारा गया मारा नहीं है इसका मतलब ये है कि इतनी बुरी तरह मारा है कि सामने वाला चीख भी नहीं पा रहा और चुप भी नहीं रह पा रहा पहली बात 45 डेल जिस दिन से कनाडा ने निजर के मामले में इंडिया पे एलिगेशन लगाया और जिस दिन से उस ट्रूडो जो है जी की मीटिंग के बाद वापस गया उसके बाद से इंडिया एक कदम भी कहीं पर रुका हुआ या पीछे हटता हुआ या कमजोर पड़ा हुआ नजर आया तो बताइए दूसरी बात इंडिया भाई कनाडा ने एक बताया आपने सौ, आ, मतलब कनाडा ने हमारे एक जो डिप्लोमेट था उसे वापस भेजा हमने उनके सौ भेज दिए मतलब पैंतालीस भेज दिए आज के दिन डिप्लोमेटिक रो इतनी ज्यादा निचले स्तर पर है कि टूडो को मानना पड़ा कि हाँ खालिस्तानी हमारे यहां मौजूद है ऑस्ट्रेलिया तक आप सोचकर देखिए जो फाइव आईज यानी अंग्रेजों वाला गोरी चमड़ी वालों का जो कुनबा था उसके बीच में जो हमने फूट, इंडिया के नाम पे फूट पड़ी है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठकर अगर आ, एस जयशंकर साहब कह रहे हैं कि या तो आप सबूत दिखाओ वरना आप एक्सपोज हो चुके हो और ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन न्यूज चैनल उस चीज को छापता है और उस ऑस्ट्रेलियन न्यूज चैनल के ऊपर कनाडा अगर बैन लगा देता है और इस चीज का डिस्कशन पूरे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका न्यूजीलैंड इवन यूनाइटेड किंगडम में होता है और उसके बाद सोचकर देखिए ट्रूडो जैसा बंदा ट्रूडो खुद संसद में आकर और सॉरी एक कमेटी के सामने बैठकर ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि हम काउंटर नहीं कर पा रहे और आज के दिन ट्रूडो की हालत ये है कि वो इंडिया से कैसे भी करके एक छोटी सी बातचीत शुरू करना चाह रहा है लेकिन उसकी मजबूरी अगर शुरू कर दी तो इंडिया की जो शर्तें वो मान नहीं पा रहा कनाडा की तो दुर्गति कर ही दी उसके बाद कोई फाइव आईज छोड़ो कोई यूरोपियन कंट्री एक ता, एक बार भी कनाडा के फॉर्म में चू की आवाज तक नहीं निकाली इवन अमेरिका तक नहीं बोल पा रहा सोचिए ना कैनेडा को हम इतना रगड़ चुके हैं कि अमेरिका तक इस इशू के ऊपर बोल नहीं पा रहा वो डिफेंड एक डिफरेंट मैनर में करने की कोशिश कर रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा तो मैं ओवरऑल चाहूंगा में खालिस्तानी नारे लगा रहे हैं कि यू ब्रिटिशर्स आर एक्सटर्नल आउटसाइडर्स लीव कैनेडा दिस इज आर कंट्री खालिस्तानी लगा रहे हैं अब आप मुझे ये बताइए और क्या चाहिए

तो ट्रूडो ने खालिस्तानियों को जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की सोची थी अब ये खालिस्तानी अब ट्रूडो के गले पड़ गए हैं और अब ये कनाडा में खालिस्तान मांगेंगे और तब देखेंगे कि ट्रूडो फ्री स्पीच को कितना महत्व देता है और खालिस्तानी जब रैली अब निकलेंगे कनाडा में कनाडा में एक अलग स्टेट के लिए तब देखते कि ट्रूडो इन्हें सपोर्ट करता है या नहीं क्योंकि भारत के मामले पे ट्रूडो इन्हें सपोर्ट करता है कहता है कि ये कुछ भी करें ये फ्री है। तो आप खालिस्तानी कनाडा के अंदर एक अपना अलग देश मांगेंगे तब ट्रूडो की आप देखिएगा क्योंकि मुझे नहीं लगता ट्रूडो चुपचाप रहेगा क्योंकि इसकी वजह से ट्रूडो के इलेक्शन में असर पड़ेगा और उसे जो सीटें मिलनी थी कम थी वो और भी ज्यादा कम हो जाएगी तो खालिस्तानी जो ट्रूडो ने भारत के खिलाफ खेलने का सोचा था वो अब उसके बाद बैकफायर कर गया है और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँ भारत को चुपचाप बैठ के इस फिल्म को देखना चाहिए क्योंकि ये जो रैली हुई है ये सिर्फ ट्रेलर है असली मूवी अभी बाकी है और ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्यूँकी टूडो की सरकार अगले साल चुनाव जीतने वाला नहीं है और गिर जाएगी उसके बाद असली मजा शुरू होगा तो चले रिटे की फ्यूचर में क्या था दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू वेरी मच